दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एमपी पीजीटी केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में। आपको पता है आपका एमपी पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस जारी हो चुका है और इस सिलेबस के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, साथ के साथ ही कंपेयर करेंगे एमपी पीजीटी और एमपी टेट के सिलेबस में। क्योंकि भाई जो भी स्टूडेंट अभी एमपी पीजीटी का एग्जाम देगा तो जाहिर सी बात है उसका एमपी टेट क्वालिफाई होगा, एमपी टेट को क्वालिफाई करके ही यहाँ तक पहुंचा है। तो एमपी टेट का क्या सिलेबस था, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और एमपी पीजीटी का सिलेबस बना, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे है जो आपके एमपी टेट के सिलेबस और एमपी पीजीटी में कॉमन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, कॉमन टॉपिक को तो आपके वही रहेंगे। लेकिन जो टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं अब उन पर आपको फोकस करना है ताकि वो नए टॉपिक को आप इजीली कंपेयर कर सके। तो सारी डिटेल यहां पर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के देखिए सारे टॉपिक है, सही यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन केमिकल कंडीशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, सॉलिड स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहाँ पर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जीओसी हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या पर बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, ड्रग्स एंड मेडिसिन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो ये जितने भी टॉपिक्स यहां पर मैंने बताया आपको, ये सारे टॉपिक्स आपके एमपी टेट के सिलेबस में भी थे और आपके भी एमपी पीजीटी के सिलेबस में भी है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने एमपी टेट की प्रिपरेशन करते समय इन टॉपिक्स को पढ़ाई तो ये टॉपिक आपके कॉमन हो गए। आपको इन्हीं टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले से भी ज्यादा करनी है, ठीक है। इन टॉपिक्स की बात करें तो अब बात करते हैं, देखो कौन से ऐसे टॉपिक है जो नए एड किए इन टॉपिक्स के अलावा आपके एमपी पीजीटी के सिलेबस में। तो यहां पर आपको बता देता हूं, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स एंड यहाँ पर टर्म सिंबल्स हो गया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो साइंस, ये आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो पहले एमपी टेट के सिलेबस में नहीं थे लेकिन अब आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। और ये सारे के सारे हाई लेवल के टॉपिक है, देखा जाए तो इनसे अच्छे खासे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके पूरे पूरे आने के चांस है, ठीक है। रिमूव टॉपिक कौन से जो आपके पहले एमपी टेट के सिलेबस में तो थे लेकिन अब एमपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक है लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, या पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस स्टेट। ये ऐसे टॉपिक है जो आपके पहले एमपी टेट के सिलेबस में थे लेकिन अब एमपी पीजीटी के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, मतलब आपको इन टॉपिक्स को यहाँ पर नहीं पढ़ना। तो कुल मिलाकर ये कॉमन टॉपिक हो गए भाई जो आपके पहले भी सिलेबस में थे अब भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये नए टॉपिक ऐड हो गए और साथ के साथ ये यहाँ पर टॉपिक है जो आपको पहले थे सिलेबस में लेकिन अब नहीं है, अब रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि कौन से टॉपिक हटा दिए, कौन से टॉपिक ऐड हुए और कौन से टॉपिक कॉमन है। आपका जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपका सिलेबस है एमपी पीजीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है पूरा, इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं कि जिन भी स्टूडेंट ने एचगोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन से पीजीटी एमपी पीजीटी का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, देखो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो ये जितने भी टॉपिक नए एड हुए हैं आपके कोर्स के अंदर एड कर दिए जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एड कर दिए जाएंगे और इस तरह से इनमें कंटेंट अवेलेबल आपको करवाया जाएगा कि आपको एक सिंगल वर्ड भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है और कोई क्वेश्चन गारंटी एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, इस तरह से इनको कंप्लीट कराया जाएगा आपके कोर्स के अंदर। इसलिए आपको इधर उधर कोई इधर से बुक सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितने भी चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे फिर यहाँ पर अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट की बात करें, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी की बात करें, A to Z सब कुछ आपको आपके कोर्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने पीजीटी का कोर्स ले रखा है एचकोड क्लासेस, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और अगर कोई नया स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, पहले मैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात करूंगा, उसके बारे बाद फिर आपको इस सिलेबस के बारे में वापस डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो जो नए स्टूडेंट है
वो भी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन से आपका पीजीटी का कोर्स ले सकते हैं। देखो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको एमपी टेट के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा। फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर बहुत सारे कंटेंट हमने प्रोवाइड किया जिसके हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर आपको एक शब्द भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो टाइम कम है, कम से कम समय में सब कुछ अगर आपको करना है तो आपके पास एक परफेक्ट ऑनलाइन कोर्स होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ऑनलाइन कोर्स होगा उसके अंदर वीडियो लेक्चर, डाउनलोडेबल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, जितना भी आपका एमपी पीजीटी का सिलेबस है 100% इसके अंदर कवर करवाया जाएगा। एक भी टॉपिक आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले चाहो तो आप फ्री ट्रायल भी ज्वाइन करके देख सकते हो, मतलब आप पहले पढ़कर देख सकते हो कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। फिर जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद फुल कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फुल कोर्स ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड HGC कोटा जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि इसको अप्लाई करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ के साथ एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप इस ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, चाहे फुल हो चाहे आपको यहाँ पर फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो, आप इनको ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सके। चलिए अब अपन वापस सिलेबस पर यहाँ पर चलते हैं। तो देखो आपका जो एमपी पीजीटी का सिलेबस है उसमें देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हकल थ्योरी फॉर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये आपके टॉपिक जुड़ा है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री का ये पार्ट है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखो अगर अपन बाकी टॉपिक्स की बात करें जैसे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो ये इसमें लास्ट के जो टॉपिक है आपको पूरे के पूरे एमएससी के सिलेबस, ये जितने भी टॉपिक है ना पूरे के पूरे एमएससी सिलेबस से है, एमएससी लेवल के ही टॉपिक आने वाले है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, देखो ध्यान देना ये आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स है, ठीक है, ये जिसमें एटॉमिक टर्म सिंबल होता है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, सारा आपके एमएससी के सिलेबस से टच किया हुआ है। इनका लेवल भी अच्छा खासा यहाँ पर आना है। देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें चाहे ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंट की बात करें यहाँ पर, पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, हाइड्रोजन एटम की अप्रोक्सीमेट मेथड की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, पूरा का पूरा आपका पीजी का सिलेबस यहाँ पर टच किया हुआ है। मतलब इनके जो क्वेश्चन है अच्छे खासे लेवल के आएंगे, इसलिए आपको अच्छे खासे ठीक लेवल पर आपको पढ़ना है। देखो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी आपके एक तरह से सिलेबस का पार्ट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के बनेंगे जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के बारे में बात की जा सकती है। देखो एक ये जो टॉपिक है इनर ट्रांजिशन या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि इसमें एनालिटिकल एप्लीकेशंस भी है, रेडॉक्स केमिस्ट्री भी है, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी दे रखा है। तो आप जो नॉर्मल 11th 12th की बुक से एफ ब्लॉक पढ़ोगे ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उससे हवा भी नहीं लगेगी भाई, इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, तो उसी लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसी तरह से देखो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी, एनहांस्ड सिलेक्टिविटी, डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी, एसिमेट्रिक इंडक्शन वगैरह, ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट होता है, जिससे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जन है, कॉमन कैटलिस्ट है, कीमो सिलेक्टिविटी वगैरह यहाँ पर दे रखी है, ये भी आपके पीजी लेवल के ही यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, जिससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन सिंथोन्स वगैरह यहाँ पर आएगा, अनफोल्डिंग रिएजेंट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये सारे आपके एमएससी के बुक में पढ़ते हैं अपन, एमएससी जब करते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पर टर्बिनॉइड्स, स्टेरॉइड, एल्केनॉइड्स वगैरह यहाँ पर आपके सिलेबस में दे रखा है, देखो ध्यान देना। इसी तरह से नैनो साइंस है, ग्रीन केमिस्ट्री है, तो ये सारे हैं। और देखो आपके नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि आपका जो एग्जाम का लेवल होगा ना पीजी लेवल का होगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके एमपी टेट में तो लेवल कम रहा है, अब आपका जो पीजीटी का यहाँ पर जो एमपी पीजीटी का जो पेपर होगा उसका लेवल काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर आपने हवा में हल्का फुल्का पढ़ा है तो फिर आप सिलेक्शन की उम्मीद मत करना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ अगर आप एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर ले लेते हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जितना भी सिलेबस है ना उसका एक एक पॉइंट आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अलग से एक शब्द भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है,
आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं पढ़ना, आपको केवल कोर्स में जो कंटेंट दिया है वो पढ़ना है और आपका 100% सिलेबस वहां पर कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके आता है तो आप एचगोल्ड क्लासेस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं या फिर कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए ताकि हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सके। और इसी वक्त वीडियो देखते ही आप एचगोल्ड क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।